सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से। अभी बताया जा रहा था साधना का जीवन में क्या महत्व है। अगर मनुष्य के जीवन में साधना का महत्व समझना है गायत्री के खास करके, तो कई बार भैया उदाहरण दिया है कि आप एक बार BHU घूम लीजिए। गायत्री का प्रत्यक्ष चमत्कार अगर समझना है तो अपने मिशन को देख लीजिए। एक छोटे से परिवार से निकलने वाला व्यक्ति, साधारण जीवन जीने वाले परम पूज्य गुरुदेव आज देश विदेश पूरी दुनिया में छाते चले गए। क्या कारण है कि हम आप साधना करते हैं और घर में भी वैल्यू नहीं रहता है, घर में भी कोई नहीं पूछता है। क्या कारण है कि घर तो दूर के चीज है, हम अपने नजर में भी नहीं अपने आप को पहचान पाते हैं। और मनुष्य का सबसे बड़ा अगर रेस्पेक्ट कुछ है ना तो सेल्फ रेस्पेक्ट है। जिस इंसान का सेल्फ रेस्पेक्ट मर गया वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है, जिसको हिंदी में स्वाभिमान कहते हैं। अगर आपका स्वाभिमान मर गया ना, आप कुछ नहीं, फिर कभी कोई हिलाएगा कोई डुलाएगा। और आजकल सबसे बड़ा बात है कि हमारे जीवन की गाड़ी की चाबी और स्टेयरिंग किसी और के हाथ में है। कई बार हम लोग सिखाते हैं, जिंदगी आपका भाई स्टेयरिंग क्यों दे दिए, चाचा ने ये बात कह दिया, मायूस हो गए। इसका मतलब चाचा हैंडल कर रहे हैं आपके जीवन की गाड़ी को, आपसे हैंडल हो नहीं रहा है। चाचा कभी कुछ बोल दिए तो खुश हो गए, चाची कभी कुछ बोल दी तो उदास हो गए। दोस्त कह दिया तो क्लास छोड़ के चले गए घूमने, फिर दोस्त बुला लिया तो क्लास में चले आए। ये क्या है, कहीं ना कहीं हमको अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं मालूम है। और जिस इंसान का सेल्फ रेस्पेक्ट मर जाता है, वो शरीर से जिंदा है लेकिन उसकी आत्मा मर गई होती है। इसी को सुधारने का काम मेडिटेशन करता है, जिसका जिक्र चल रहा था। ध्यान क्या है, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को मनुष्य से मिलाता है, इंसान को इंसानियत से मिलाता है, हैवान को भी इंसानियत के राह पर चलाता है। हम आप कह दिया गया साधना करने बैठे, दोस्त आया, बाबा बन जाओगे का, कल से पोता बन के घूमने लगा, वीडियो देखने लगा। क्यों देखने लगा, तो दोस्त आके कह दिया बाबा बन जाओगे तो पोता बन गए। इन लोगों को भी कई कह दिया, अरे मॉडर्न कल्चर में देखते हो तुम लोग, देखती हो, ध्यान वान आउटडेटेड कल्चर है, आउटडेटेड। मॉडर्न में क्या है, बाल खोल लीजिए, स्कूटी को तेज चलाइए, भले एक्सीडेंट हो गया PMCH में टांग लटका हुआ है, मॉडर्न फैशन है, ये नया है। अब कोई सिखा दिया मॉडर्नाइजेशन में ये सब पूजा पाठ दादी ओदी के न चीज है। हम लोग पूजा पाठ नहीं सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जिसको आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप किसी भी जगह पर जाकर जिस चीज का ऑर्डर करते हैं डिलीवरी में वही आता है। चाहे मोबाइल से आप ऑर्डर करिए, चाहे आप रेस्टोरेंट में बैठ के ऑर्डर करिए, और चाहे ध्यान के माध्यम से ऑर्डर करिए, डिपेंड आप पर करता है कि आपने ऑर्डर क्या किया है। जो ऑर्डर करिएगा डिलीवरी आपके पास वहीं आएगा। आप कभी गए हैं रेस्टोरेंट में और ऑर्डर किए हैं पनीर पराठा ले आना, आलू पराठा ला के दे गया है। कभी आपने ऑर्डर किया है मोबाइल से कि हमको फेस वॉश चाहिए, शैम्पू ला के दे गया है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, पढ़े लिखे लोग हैं कि जो ऑर्डर करिएगा डिलीवरी वहीं होता है। आप परमात्मा के पास बैठ के तिक्रम ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी में तिक्रम आता है। अच्छाई ऑर्डर करते हैं, अच्छाई आता है। सद्गुण ऑर्डर करते हैं, सद्गुण आता है। दुर्गुण ऑर्डर करते हैं, दुर्गुण आता है। डिपेंड करता है कि आपके इमोशन से उस समय निकला क्या। अब बैठ गए गुरुदेव माता जी के सामने, गायत्री माता के सामने, या दिमाग में चल रहा है ऑर्डर जा रहा है, चाची बड़ी तंग करती है, अब वो और तंग करेगी, वो तो डिलीवरी होगा वहीं। बैठ गए वहां, फलाने भैया बड़ी परेशान करते हैं, वो और परेशान करेंगे। आप लगिए ना, जो परमात्मा के सामने ऑर्डर किया जाता है डिलीवरी वहीं होता है। आप बैठ के तनाव मुक्त होके चिंता फिक्र सब छोड़ दिए और ऑर्डर कर रहे हैं, हे गुरुदेव इतनी श्रद्धा और समर्पण दीजिए कि हमेशा गुरु कार्य करते रहे। लाख कष्ट होगा, लाख तकलीफ होगा, आपके अंदर वो तड़पन रहेगा, छटपटाहट रहेगा, वो भाव रहेगा, वो इमोशंस रहेगा। गुरु कार्य करना है, गुरु कार्य करना है। कई लोगों को देखिए, पीला वस्त्र पहन लिए, क्या है,
हम गायत्री परिवार के हो गए। अरे आप अपना हुए हैं पहले, माफ करिएगा। पीला वस्त्र पहनने से अगर गायत्री परिवार हो जाते, गायत्री परिवार का कुछ संवैधानिक नियम है, और जिसको समझने के बाद, जीवन में अपनाने के बाद आप रियल गायत्री परिवार बनिएगा, वरना ये डुप्लीकेट है। अब कहिएगा इसका संवैधानिक नियम क्या है? चार चीज है, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों आपको अपनाना होगा। साधना किसकी? अभी हमारे भाई बता रहे थे, जीवन देवता की साधना आराधना। क्यों? भगवान की नहीं करनी, पहले जीवन को तो समझिए कि आप इस धरती पर किस लिए आए हैं, क्या उद्देश्य है। जिस दिन अपने आप को समझ गए कि हमारे 24 घंटा का 2 घंटा अच्छे कार्यों में लग जाए, आपका जीवन शानदार है। जिस दिन आप समझ गए कि हमारे 24 घंटा का 1 क्षण दूसरे की भलाई के लिए लग जाए, उस दिन आपकी जीवन देवता की साधना आराधना का शुरुआत हो गया। अभी क्या है? नौकरी हमें चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, सब मिल गया, अब तो कुछ सामाजिक काम कीजिए। नहीं, एक चीज समाप्त होता है उसके बाद अगला। गाड़ी खरीदे थे 40 लाख के था, बगल वाला 80 लाख के रखा है, लीजिए। इनकी जीवन देवता की साधना यही है कि नीड पूरा हो जाता है लेकिन ग्रीड पूरा नहीं होता है, और इस ग्रीड के चक्कर में मनुष्य अपने आप को तबाह करते चला गया है, मनुष्य अपने आप को बर्बाद करते चला गया है। हर व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती है लेकिन लालच दुनिया में किसी का पूरा नहीं हुआ। रावण लंका के महल में रहता था, सोने का महल था, फिर भी उसकी इच्छा, मंदोदरी जिसकी पत्नी थी, उसके बावजूद उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, उसके बावजूद वो अपने आप को नहीं समझ पाया कि हम क्या हैं, कैसे हैं। तो पहला संविधान है मिशन का, साधना। किसकी साधना? अपने जीवन देवता की साधना आराधना। दूसरा है स्वाध्याय। किसका अध्ययन? पहले हम अपना अध्ययन करें कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है, उसको समाज के लिए लगाएं। जो हमारे अंदर की बुराई है, गायत्री मंत्र की साधना करके उसको साफ करें। जैसे साबुन से कपड़े को साफ किया जाता है, वैसे मन की मलिनता को ध्यान, मेडिटेशन और गायत्री महामंत्र से साफ किया जाता है। गंदा वस्त्र है, कितना भी गंदा वस्त्र है, एक बार साबुन लगाए थोड़ा कम छूटा, दूसरा बार लगाए उससे अधिक छूटा। कई बार क्या होता है कि हाई पावर का डिटर्जेंट डालना पड़ता है क्योंकि गंदगी धब्बा बन गया है। इसी के लिए तो नवरात्र आता है, इसी के लिए तो अपना अनुष्ठान कराया जाता है। जब देखते हैं हमारे अंदर के मन की मलिनता आसानी से नहीं धुल रही है, 9 दिन का नवरात्र करेंगे, 5 दिन का PDC करेंगे। ये क्या है? मन की मलिनता को साफ करने वाला डिटर्जेंट है, जो लगातार एक पॉजिटिव माहौल में बैठते बैठते कार्य करते करते हम अपने मन की मलिनता को धो लेते हैं। ये स्वाध्याय है कि हमने अध्ययन किया कि क्या हमारे अंदर कमी थी और हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। और जब साफ हो गया, तो साफ होने के बाद इसको और बेहतर बनाने के लिए, इसमें चमक लाने के लिए, कई बार देखते हैं कि वस्त्र को धो दिया जाता है और चमक लाने के लिए एक्स्ट्रा उसमें रिवाइव के साथ या किसी के साथ जो एक्स्ट्रा चमक बरकरार रखे। जब आपने PDC किया, 9 दिवसीय किया, नवरात्र की साधना किया, और आपके जीवन का जो चमक है उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखी गई 3200 पुस्तक है, पतली पतली पुस्तक से शुरुआत करें। मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, समय का सदुपयोग, हारिए न हिम्मत, ऐसी ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। खास करके विज्ञान के युग में जीने वाले युवा को गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग का जिक्र कर रहे हैं। अगर आप पतली पतली बहुत सारी पुस्तकों को पढ़े हैं तो एक बार गायत्री महाविज्ञान पढ़िए। लेकिन शुरुआत कहां से करें? तो गुरुदेव की लिखी हुई पहली पुस्तक मैं क्या हूं, वहां से आप शुरू कीजिए। पहली पुस्तक है मैं क्या हूं, आप समझिए। तो उसके बाद अपने गुरु के बारे में जानने की जब भाव पूरी जागृत हो जाए, तो आप पढ़िए हमारी वसीयत और विरासत सुनसान के सचर। उससे अधिक तीव्रता है कि और हम जानना चाहते हैं अपने गुरु के बारे में, अपने इष्ट, अपने मालिक के बारे में, तो चेतना के शिखर यात्रा भाग 1, 2, 3 पढ़ के देखिए। आपके अंदर का भाव, इमोशन, डिवोशन इतना जागृत हो जाएगा, फिर कौन क्या कहता है इसकी परवाह नहीं रहेगी। सत्य के पद पर पूरी ईमानदारी से कष्ट सहते हुए आप आगे बढ़िएगा, और यही कष्ट, जिसके बारे में आपने सुना अभी, प्रारब्ध होता है, वो प्रारब्ध कटता है। अब कपड़ा कहे कि हमको रगड़ा नहीं जाएगा, वो साफ होगा ही नहीं। मनुष्य कहे कि हमारे जीवन में संघर्ष ना है, वो लोलपपुआ बन के रह जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा, उसके जीवन में फिर मजा ही नहीं रहेगा, नीरस हो जाएगा, बिना रस का रहेगा। और यही तीसरा, साधना स्वाध्याय के बाद संयम शुरू होता है। जब इतना रगड़ाई होता है तब धीरे धीरे, अचानक नहीं, ऐसा नहीं कि संडे को बैठे या ये लोग बैठी
रास्ते चलते देखना बंद कर दिए, अश्लील वीडियो बंद हो गया, मजाल किसी दुनिया में किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है कि यहां से प्रवचन दे दे और यहां बैठे हुए लोगों का अश्लील वीडियो देखना बंद हो जाए। नहीं, ये अपनाना होगा, स्वयं अपनाना होगा, स्वयं सीखना होगा। अब यहां से संयम शुरू होता है तो सबसे पहला वीडियो बंद नहीं होगा, समय का सदुपयोग करिएगा। पूछिएगा अपने आप से, हम पटना क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। आपके अंतरात्मा से आवाज निकलेगी। कोई घर पर बैठा हुआ संघर्ष करने वाले माता पिता है जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाई, उनकी कुछ अरमाने हैं, उस अरमान को पूरा करने आए हैं, अपने जिंदगी को संवारने और गोल्डन टाइम ऑफ पीरियड जो है उसको बेहतर बनाने, ये संयम है। और तब सेवा का भाव जागता है। बचपन में हम लोग एक कहानी सुनते थे, एक व्यक्ति को इस बात का शौक था कि हम बड़ा घर बनाएंगे। वो व्यक्ति पैसा कमाता था लेकिन उसका पैसा कभी इधर कभी उधर चला जाता था। सेवा क्या होता है इसके बारे में आपको समझा रहे हैं। उस व्यक्ति को एक किसी बाबा के बारे में पता चला कि एक बाबा हैं जो कुछ बताते हैं उससे मनुष्य का कल्याण हो जाता है। वो बाबा के पास गया, बाबा हम चाहते हैं घर बनाना, कोई उपाय कोई टोटका बता दीजिए, आज के जमाने के अनुसार रिजल्ट होना है टोटका बता दीजिए। अरे भकुआ, पढ़ोगे तब रिजल्ट होगा, कोई टोटका नहीं है। कहता है टोटका बता दीजिए, टोटका भी बताया जाता है। कई बार भैया जिक्र किए हैं कि बेलपत्तर के पत्ता में शहद लगा के शिवलिंग पर चिपका दीजिए, रिजल्ट हो जाएगा। कई गो विद्यार्थी हमारे चिपका दिया, अभी वह लॉज में पड़ल है, पढ़ने से रिजल्ट होगा। उस बाबा ने कहा कि एक टोटका है तुम्हारा घर पक्का बन जाएगा। कहा बताइए, उस टोटका को भी कर लें। कहे कि जाओ और बाजार से 5 घड़ा खरीदना और थोड़ा सा तिरछा घुमा के और पेड़ पर लटका देना। टोटका सुना खुश हो गया कि ये कौन बड़ा बात है, बाबा 5 गो कहे, आदमी का अपना लालच, 25 गो मटका खरीदा, अलग अलग पेड़ पर उल्टा लटका दिया। मटका लटकाया, बहुत सारे पंछी घोंसला उसमें बनाए और रहना शुरू कर दिए। भाई उसको नहीं मिल पा रहा था कोई जगह, घोंसला बना के रहना शुरू कर दिए। वो 25 मटका में 25 अलग अलग पंछी अपना घोंसला बनाया। कुछ दिन के बाद दौड़े दौड़े गया, कहा बाबा आपका टोटका लाजवाब है, गजब हो गया। तो कहे क्या हुआ, इतना दिन से पैसा कमाते थे संचय नहीं कर पाते थे, आपने जब से टोटका ये बताया हमने मटका को उल्टा घड़ा को उल्टा लटकाया और मेरा घर बन गया। बाबा कहे कि मैं कोई टोटका नहीं बताया था। कहा कि बड़ा कुछ दिन पहले आए थे, बड़ा आप गजब का बात करते हैं, कुछ दिन पहले आए थे तो आप ही ने कहे थे 5 को मटका खरीदना उल्टा लटका देना तुम्हारा घर बन जाएगा, अभी कह रहे हैं कि आप टोटका नहीं बताए हैं। कहे कि हाँ बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूं, कोई टोटका नहीं बताया। तो फिर आप क्या सिखाए थे। कहे कि तुम जो वो मटका उल्टा लटकाया उसमें बहुत सारे जाकर देखो पंछी ने घोंसला बनाकर जीवन जीना शुरू कर दिया, उस पंछी की दुआ तुम्हारे जीवन में लगी जिसके कारण तुम्हारा घर बन गया। ये कोई टोना टोटका ना होता है ना होगा। मनुष्य जब सेवा भावी बन जाता है तो उसके जीवन में लोगों की दुआ इतनी मजबूती से काम करती है कि बड़ा से बड़ा काम वो आसानी से करता चला जाता है। इसी का नाम बाल संस्कार शाला है। जो भाई श्रम और समय लगाते हैं उसमें, आप यहां से सुनते हैं फलाने भैया का रिजल्ट हो गया, फलाने भैया का रिजल्ट हो गया, ये कोई टोना टोटका नहीं है। किस बच्चे की दुआ कुछ सीखने के बाद उनके जीवन में लग जाती है, ये उनके जीवन में रिटर्निंग आते चला जाता है। यही तो सेवा है जो गुरु जी ने समझाया कि आप कहीं भी जाकर करें। और सबसे बड़ी बात, अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आप जब अच्छा बनिएगा आपके मन में यह प्रेरणा होगा कि हमको बाल संस्कार शाला जाना चाहिए, और ये धीरे धीरे भाव जागृत होता है जिससे मनुष्य की गायत्री स्वतः फलित होती चली जाती है। आपको कोई कहीं कोई बाबा से मिलने की जरूरत नहीं है। जो गुरुदेव ने संविधान लेकर गए हैं ये अगर पालन करते हैं तो आपका जीवन सफल बनता चला जाएगा।